हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही सुंदर रेसिपी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मीठी है और उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं है, जिसके बहुत अपने जो है मेडिकल फ़ायदे भी हैं, मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, जिसको हम होम रेमेडी की तरह से यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि हमको भूख नहीं लग रही, हमको भूख नहीं लग रही, स्पेशली बीमारी से उठने के बाद हम लोगों को भूख नहीं लगती है। उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम घर के अंदर कर सकते हैं। घर के अंदर ये सब चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। उसके लिए हमारे को थोड़ा सा दही चाहिए, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर चाहिए, देखिए, और थोड़ा सा हमारे को काला नमक चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो है पिसा हुआ पाउडर वाला जैगरी, पाउडर जैगरी। और अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो थोड़ा फ्रेश धनिया कट करके रखिए, थोड़ा सा फ्रेश। अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी कट करके रखिए, और अगर बाई चांस दोनों ही नहीं है तो, और आपके पास अगर पाउडर्ड ग्रीन धनिया पाउडर है तो कट वो रखिए, वो लीजिए। और अगर आपके पास पुदीना भी है, पुदीना पाउडर है, ग्रीन पुदीना पाउडर, तो आप वो भी लीजिए। पर इस समय मेरे पास ग्रीन पुदीना पाउडर नहीं है तो इसलिए मैं धनिया के साथ ही काम चला रही हूँ। तो देखिए, ये जो है पेट की पित्त को भी दूर करता है और बहुत भूख बढ़ाता है, और बहुत ये ना लाइक एक्चुअली ये स्वीट डिश की तरह से भी आप खा सकते हैं। और इससे हमको कैल्शियम भी मिलता है, साथ में हम लोगों को आयन भी मिलता है, बहुत इसमें बहुत सारे मल्टी विटामिन वगैरह हैं। तो आप एक विटामिन की तरह से, हेल्थ फूड की तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है कि देखिए, ये जो दही है, दही में जो हमको थोड़ा सा मैं गुड़ ज़्यादा खाती हूँ, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जो दही के अंदर जो है एक चम्मच गुड़ पाउडर डाल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, वो अपने स्वाद के हिसाब से डाल रही हूँ, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, जीरा पेट को ठंडा कर रखता है, इसलिए मैं जो है जीरा पाउडर जो है ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, वो डाल दिया। यानी कि हमने गुड़ डाल दिया, काला नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से, साथ में जीरा डाला। अभी रह गया हमारे पास धनिया पाउडर, जो ग्रीन धनिया पाउडर मेरे पास है, थोड़ा सा वो लिया। और ग्रीन धनिया पाउडर आपको जितना मन करे आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसको आप जो है अभी इसको आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखिए, ये जो है मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, ये देखिए ऐसा लगता है, इस तरह का लगेगा मिक्स करने के बाद। तो आप इसको बहुत ईजिली कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं, और ये सब चीज़ें घर से ही मिल जाएंगी आपको। तो आप ये देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपको एक स्वीट डिश चाहिए शॉर्ट नोटिस में, तो आप प्लीज़ ये करिए। और साथ में अगर आपको किसी की भूख खोलनी है, अपने बच्चों की भूख खोलनी है, आपको अपनी भूख खोलनी है, तो आप ये ज़रूर करिएगा। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, इसमें कोई भी जो है हार्म कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ शेयर करने की कोशिश करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और आप मेरी तरफ से इनको रिक्वेस्ट कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस।